नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज हम आपके बीच में आपको बताएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट योर गोल्ड लोन एंड हाउ टू पे योर इंटरेस्ट। किसी भी कंपनी से अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं तो वो आपको दिनों के हिसाब से आपसे ब्याज वसूल करेगी। दिनों पर आधारित मीन्स जितने दिन आप उनका कर्ज इस्तेमाल करेंगे उतने दिनों के अनुसार वो आपसे ब्याज लेंगे। आइए अब हम इस पे पूर्णतः नजर डालते हैं। नंबर एक पे आता है एक महीने का लोन। अगर आप किसी भी कंपनी का गोल्ड रखकर वहां से एक महीने के लिए पैसा उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक महीने का ब्याज देना पड़ेगा, जो कि लगभग 2.25 रुपए दिनों के हिसाब से आपसे लिया जाएगा। नंबर दो पे आता है 3 महीने का ब्याज। इसमें कंपनी आपको 3 महीने यानी 90 दिन के लिए आपको उनका धन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको लगभग 2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। नंबर तीन पे आता है 6 महीने का लोन। इसमें कंपनी आपको 180 दिन के लिए कैश यूज इस्तेमाल करने के लिए देगी, जिसमें आपको लगभग 1.75 रुपए के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। नंबर चार पर आता है 1 साल का ब्याज। इसमें आपको कंपनी 360 दिन, आप याद रखिएगा 365 दिन नहीं, 360 दिन के लिए ही आपको लोन दिया जाएगा 1 साल के लिए, जिसमें आपको 1.25 रुपए के हिसाब से दिनों के हिसाब से ब्याज लिया जाएगा। इसमें सबसे कस्टमर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ पर होता है? कंपनी को तो होता है कि कंपनी को ब्याज मिल गया, लेकिन कस्टमर को सबसे ज़्यादा ब्याज कहाँ पे मिलता है? दिनों पे। अगर आप 15 दिन में ही उनकी राशि वापिस कर देंगे तो आपको 15 दिन का ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने में उनका ब्याज दे रहे हैं तो आपको 6 महीने का ही ब्याज देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट है डेली बेसिस इंटरेस्ट, दिनों पर आधारित ब्याज। नंबर दो, अगर आपने किसी कंपनी से 50,000 का ब्याज लिया, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन 50,000 अमाउंट, आपको 25,000 इस्तेमाल हुआ, 25,000 आपके पास बच गया, आप 25,000 कंपनी को वापिस कर दो, 2 दिन के बाद करोगे तो 2 दिन का ब्याज पड़ेगा, 6 महीने बाद करोगे तो 6 महीने का। 25,000 वापिस करने के दौरान 25,000 का ब्याज खत्म हो जाएगा। किसी भी कंपनी में किसी भी शाहूकार के पास ये सुविधा नहीं है, सिर्फ NBFC बैंक्स और सरकारी बैंकों के पास ही यह सुविधा है कि दिनों पर आधारित ब्याज लेते हैं। जितना ब्याज आप उनका रकम वापिस करेंगे उतना ब्याज खत्म हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। एक बात और पूछना चाहता हूँ विकास जी, कि जो ये इंटरेस्ट है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है कि अगर मैं पहले ही आपको रिपीट कर चुका हूँ कि 1 महीने में आपको स्कीम में आपको 2.25 रुपए ही देने पड़ेंगे, ठीक है, 6 महीने की, अगर आपको पता है आपने 6 महीने रखना है, ठीक है, तो आप 2 रुपए वाली स्कीम, एक 1.75 वाली स्कीम चूज करो, 6 महीने उनका ब्याज आप मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ ये आपकी सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक, आपने 6 महीने वाली स्कीम ली है, 3 महीने वाली ली है, 1 साल की भी है, ओके। इसमें कस्टमर का मिस्टेक करता है, अब हम इस विषय पर ध्यान देंगे। पहले हमने आपको बताया कस्टमर को बेनिफिट क्या है, अब हम आपको बताएंगे कस्टमर को लॉस क्या है। कैलकुलेशन के टाइम में कस्टमर सोचता है कि वो 6 महीने में इनका ब्याज वापस कर देगा, ठीक, कंपनी 6 महीने का लोन एग्रीमेंट करती है, 6 महीने यानी 180 दिन, 181वें दिन में आपको 25 पैसे एक्स्ट्रा ब्याज पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक। प्रिय दोस्तों, मैं फिर दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ, 180 दिन तक आपको सिर्फ 2 रुपए के हिसाब से ही ब्याज पड़ेगा, जो आप कंपनी आपसे एग्रीमेंट करेगी। अगर 1.75 का एग्रीमेंट हुआ है तो 1.75 180 दिन तक रहेगा, 180 दिन के बाद 181वें दिन से वो 2 रुपए हो जाएगा, ठीक, और यह है सिर्फ 1 महीने तक रहेगा 2 रुपए। अगर आप उसके बाद भी कंपनी को ब्याज नहीं देते तो ये 50 पैसे हो जाएगा।
सो इस करके अगर हम दिनों के आधारित इस स्कीम को लेकर चलें तो कस्टमर को बहुत बेनिफिट है, और अगर वो समय समय पर इसमें पार्ट पेमेंट करता जाता है तो उतने का ब्याज खत्म होता जाता है। 50,000 में से अगर आप 10,000 भी कंपनी को वापस कर दें तो आपको 40,000 का ब्याज देना पड़ेगा, फिर 50,000 का ब्याज आपसे नहीं लिया जाएगा। यह कस्टमर को बहुत बेनिफिट स्कीम है। धन्यवाद दोस्तों।